Welcome to Engineers Physics channel. Today we are going to start a new chapter for class 10 ICSC board. So let's start. So our first topic is force. So force is a push or pull which acts on a body. Which produces following four effect. बच्चों आपको एक बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट को हम या तो धक्का लगाएंगे या तो उसको खींचेंगे. सो फोर्स इज अ पुश और पुल विच एक्ट्स ऑन अदर बॉडी, जो कि दूसरे बॉडी पे एक्ट होता है. इसके चार इफेक्ट है. सबसे पहला इफेक्ट क्या कहता है कि चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेते हैं. तो सपोज दैट हमारे पास एक सरफेस है. ये सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर प्लेस किए हैं. इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक पुश लगा रहे हैं, दैट इज ये फोर्स है एफ. इनिशियली ये रेस्ट में है. इनिशियली क्या है भाई, ये रेस्ट में. अगर हम सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. तो सिंस इनिशियली ये रेस्ट में थी और फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया, ये मूव करने लग गया. भाई इसमें क्या आ गया, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब फोर्स लगाने की वजह से एक रेस्ट कंडीशन में रहने वाली ऑब्जेक्ट क्या हो गई भाई, मूव करने लगी. इसी का मतलब होता है चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. चेंज द स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रुक सकती है. सिंस अभी इस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन पे है. तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन पे जा रही है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, रुक जाएगा. यहाँ पर फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जांपल से आपको ये दो पॉइंट क्लियर होगा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है, पॉइंट नंबर वन. एंड चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, दैट मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है. तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड द फोर्थ वन इज चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे ये शेप और ये साइज में क्या डिफरेंस है. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल. अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट यहां पे हम एक सिलेंडर कंसिडर किए और एक सिलेंडर कंसिडर किए. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका शेप और इसका शेप क्या है, ये दिखने में कैसा है, सिलेंड्रिकल है. मीन्स दोनों का शेप सेम है, दोनों का शेप क्या है, सेम है. बट डिफरेंस कहाँ आती है, ये छोटा है ये बड़ा है भाई, मीन्स स्मॉलर एंड लार्जर वन. तो साइज में डिफरेंस है, ठीक है. थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल इतना बड़ा है, अगर हम इस पे हर डायरेक्शन से फोर्स लगा दें, हर डायरेक्शन से फोर्स लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस होके छोटा हो जाएगा. सो वी कैन से दैट फोर्स लगाने से इस ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो गई बट शेप एज इट इज है, ठीक है. तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि फोर्स लगाने से क्या हो रहा है कि इसका साइज जो है वो बदल रहा है बट शेप चेंज नहीं हो रहा है. बट सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सॉलिड कॉपर का बना एक स्फेयर है, ठीक है. अगर हम इसे मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके अगर हम इसे कोन का शेप दे देते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट की शेप यहाँ पे भाई स्फेरिकल थी, यहाँ पर शेप क्या होगी, कॉनिकल हो गई. दैट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो गया, शेप ही बदल गया, शेप बदल गया. अगर शेप बदल जाएगा दैट मीन्स पॉइंट थर्ड सेटिस्फाइड एंड साइज बदल जाएगा पॉइंट फोर्थ सेटिस्फाइड. दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट.
सिलेंड्रिकल थी भाई, बाद में भी सिलेंड्रिकल है, बट ये बड़ी है और ये छोटी है, दैट मीन्स दिस वन इज लार्जर एंड दिस वन इज स्मॉलर, ठीक है। राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिजिड एंड नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। रिजिड ऑब्जेक्ट, सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग लोकेशन पे हम इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को लिए हैं और इसके बीच का डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सपोज दैट इसके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम इस पे फोर्स लगाते हैं दोनों डायरेक्शन से, ठीक है। क्या करते भाई, फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने के बाद अगर ये दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज हो जाता है तो ये ऑब्जेक्ट नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रिजिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। राइट नाउ आई विल जस्ट कनेक्ट दिस रिजिड एंड नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जब हम रिजिड ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो इसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही इफेक्ट जो शो होगा, दैट मीन्स ये जो है रिजिड बॉडी के लिए या रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो अब हम क्या देखते हैं कि नॉन रिजिड के केस में क्या शेप चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो स्पेसिंग है वो बदल जाएगा। सो नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट में ये चारों पॉइंट जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट मीन्स नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस भी होगा साथ साथ मोशन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान पर रखनी है।